अधिकारी सी इंदुमती और पुलिस कप्तान शिव हरमीड़ा ने संयुक्त रूप से वाराणसी लखनऊ हाईवे पर असरोगा स्थित टोल प्लाजा पर वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैर प्रांत के बगैर अधिकृत पास के ट्रकों पर जा रहे प्रवासी श्रमिकों से जानकारी हासिल की और उन्हें जलपान भी कराया। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग कराकर आश्रय स्थल के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि मैम क्या आज क्या हो रहा है, क्या चेकिंग की गई, क्या रहा है? ये जिला सुल्तानपुर है। मैं सुल्तानपुर में डीएम और एसपी साहब हम दोनों लोगों का संयुक्त निरीक्षण हो रहा है टोल प्लाजा में, नेशनल हाईवे टोल प्लाजा में, जो लखनऊ वाले, जो लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी वाले हाईवे में। अब यहाँ आने के बाद लाइक बहुत सारे जो लोग हैं जो ट्रक के माध्यम से जो आ रहे हैं, छोटी छोटी मिनी गाड़ी से, व्हीकल से जो आ रहे हैं, तो उनका चेकिंग वगैरह किया गया है। कुछ लोगों के पास अवेलेबल है, कुछ लोग बिना पास अवैध तरीके से आ रहे हैं। तो अब इन सब लोगों को रुकवाया गया है। जो अवैध तरीके से अंदर आए हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन, उनका जो व्हीकल्स का जो डिटेल्स है, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स का डिटेल्स और उनके जो व्हीकल मालिक डिटेल्स है, वो सब नोट किया जा रहा है। और किस जिले से या किस स्टेट से आ रहे हैं, वो सबको भी नोट किया जा रहा है। फिर इन लोगों को प्रॉपर तरीके से शेल्टर होम पे पहुंचवा कर फिर वहां जो मेडिकल प्रोसेसिंग है जो होना है, फिर उसके बाद उनको अपने जो जिले के डिटेल्स लेकर उनका नेम लिस्टिंग वगैरह करके फिर संबंधित जिले पर इन लोगों को मेडिकल परीक्षण के बाद भेजा जाएगा। एंड यहाँ के लोकल सुल्तानपुर के जो नगरवासी है उनको कम से कम एक दो दिन ऑब्जर्व करेंगे, करके जिसका सिम्टम्स नहीं है उनको आगे अपने घर पर क्वारंटाइन के लिए राशन किट देते हुए फिर भेज देते हैं। अब जिसका सिम्टम्स लग रहा है फिर उनको आगे के लिए फैसिलिटी क्वारंटाइन पे रखे, फिर आगे की प्रोसेसिंग होती है। एंड ये दूसरी बात, कुछ रास्ते में हमने ये भी देखा कि कुछ परिवार है, नो एडल्ट है और चार पांच बच्चे हैं, ये सब पैदल होते हुए निकल रहे थे, उन लोगों को भी रुकवाया गया है और शासन के निर्देश के अनुसार इन लोगों को व्हीकल्स में बिठा के फिर इन लोगों को हमारे शेल्टर होम पे पहुंचवा के फिर उनको अपने अपने जिले पर भेज। लॉकडाउन के दौरान एसएसपी आशीष तिवारी ने रौनाही टोल प्लाजा बाराबंकी बॉर्डर बैरियर का जायजा लिया और चेक पोस्ट पर मौजूद कर्मचारियों के पास मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता का निरीक्षण भी किया। पैदल व ट्रकों पर असुरक्षित यात्रा कर रहे प्रवासी श्रमिकों को चेक कर उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने अनावश्यक टहलने वाले दो पहिया वाहनों की चेकिंग और कार्यवाही करने के लिए भी मातहतों को निर्देशित किया।